घच घच कल्याण हो, घच घच कल्याण हो। हजमा कहा गया पंडित जी टाटा क्या हुआ पंडित जी को, घच घच कल्याण हो, घच कल्याण हो। हजमा किधर गया रे, तुम तो कहता है पंडित जी आप भाग लगा करके पूरा सोलह आना ले जाते हैं, लेकिन तुम कहता कि दस आना पंडित जी को छह आना हजाम को, तो ये किधर गया रे हजमा? हजमा सारे काम करके चला गया। आवेंगे हजमा, हजमा चले इधर घुसना हजमा है। आए आए बाबना का आशीर्वाद तू बता। क्या है हजमा? राजमा चले क्या कहा पंडित जी के जगह पर तुम रंडी जी कहता है? जिया जिया जजमान जैसन तीसी के चाना सी Thank you.
चूड़ा के पर फैल रहा है। हाँ भिजा के थारी में धा दे आ भूसा भूसा सुने में आके धोखा हो यार। पंडित जी थाली पड़ोसी पंडित जी के चूरा दही आ भूसा सुसा पंडित जी के गाड़ी थाना सुनते हैं तो मेघा के साथी में
की शादी से है पंडित जी। देखिए भगवान के अगर कर्म का शादी विवाह को स्वीकार नहीं होता है उससे कर्म का नहीं पड़ता है, अगर नहीं होगा तो तो भी शादी कराइए पंडित जी। चलिए आपको खाता में डलवा दूंगा, चलिए विलंब मत कीजिए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुर्दशा मंगलम पुंडी काक्ष मंगलाय तनो हरि हरि पवित्र पवित्र बाका सर्व स्थान सम्राट पुंडी काक्ष गंगा नारायण नमः। बोलिए मंत्र बोलिए। ओ भीमचंदम भीमचंदम चंदम भीमचंदम भीमचंदम हो जाएगा। देखिए दुल्हन साहिबा आप भी बोलिए ओम भीमचंदम भीमचंदम चंदम भीमचंदम। नहीं बोलिएगा तो शादी अधूरे में रह जाएगा। बोलिए बोलिए, शर्माने की बात नहीं है, जब शादी कर रहे हैं तो शर्म नहीं लग रहा है, मंत्र बोलने में शर्म लगता है। बोलिए दूसरा मंत्र बोलिए दुल्हा सरकार। ओम भनो भनो ओम भनो भनो भनो। आप तो सही मंत्र उच्चारण करते हैं और दुल्हीन को उच्चारण करते हैं। सही मंत्र क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा मन छटपट छटपट। सही सही बात है, सही बात। दुल्हीन साहब आप बोलिए तो ओ होगा हमको लगता है जैसे सही। आप बोलिए बोलिए एंडे के पेंडे एंडे के पेंडे बोलिए एंडे के पेंडे एंडे के पेंडे फुलखरे का फूल छल्ले का फूल क्यों बे लौंडा ये लौंडिया कबूल कबूल है। और मीठी मीठी बात कहकर हम मना लेंगे आप हो। ये काम से मानती है, ये जो भो किए है ना कोई बाजा बैंड नहीं है, शुभ काम में बाजा तो बजना चाहिए ना, तो बाजा नहीं था इसीलिए मैंने भो कर दिया। सुनिए आप बोलिए। देखिए दुल्हन साहिबा दुल्हा जो है बहुत दिल के भोले हैं, दिल में कोई छटपट नहीं है, जब ये रूठ जाए तो मीठी मीठी बात कह करके मना लीजिएगा, धीरे धीरे पैर को दबा दीजिएगा आप हो। पंडित जी खालिए खालिए वेद पढ़ाएंगे कहीं होता है, है? हाँ पंडित जी को अगर किसी के भाई लोगों को अच्छा लगा हो पंडित जी का वेद तो 2-4 रुपया दीजिए जो कि पंडित जी को सुबह सुबह चाय भी मिल जाएगा। नहीं है कोई देने वाले क्या?
लगता है ये साई आज ही का दिन जो है हमको देखना नहीं मिलेगा तो बड़ी भारी बात है। निगोल में तो बहुत रुपया मिला था, यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं दीजिएगा, बहुत कंजूस जजमान सब लगता है। चलिए शुरू कीजिए।